अगर आपका हो कोई भी फंक्शन तो आज ही आइए नूरी कलेक्शन, क्योंकि आज ही से हर ड्रेस पर पूरे 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है और पहली मर्तबा 3000 के ड्रेस लेने पर 500 से 3000 तक का गिफ्ट भी दिया जाएगा। नूरी कलेक्शन, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस, 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। दीपावली ऑफर चंद ही दिनों के लिए। शानदार बिल्डिंग में कमर्शियल स्पेस रेंट पर अवेलेबल है। हार्ट ऑफ द सिटी कहलाने वाले इलाका सुपरमार्केट के करीब जैन टेंपल रोड पर उषा लैब के बाजू बेहतरीन बिल्डिंग में किराए पर जगह दस्तियाब है। नाज़रीन आदाब, एन टी वी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर में वाक़िया रायचूर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में आज एक प्रोग्राम का इनेखाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम दरअसल एक फेयरवेल प्रोग्राम था, जिसकी सदारत प्रोफेसर अब्दुल रब उस्ताद HOD डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कलबुर्गी ने की। इस मौके पर बतौर मेहमान खसूसी यरीस्वामी एम रजिस्ट्रा एवेलुएशन के अलावा डॉक्टर रजाक उस्ताद, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद कर्नाटका होराटा समिति, डॉक्टर प्राणेश कुलकर्णी HOD डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रायचूर यूनिवर्सिटी, इनके अलावा मशहूर मारूफ सीनियर शायर उस्ताद शायर प्रोफेसर वहीद वाजिद, डॉक्टर इफ्तिखार शकील और सुमेरा हैदर के अलावा प्रोफेसर नुसरत फातिमा HOD डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी रायचूर यूनिवर्सिटी और दीगर ने खिताबात किए। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर जोहरा जबीन ने अंजाम दिए। इस मौके पर तलबा तालिबात की कसीर तादाद के अलावा स्टाफ भी मौजूद था। चंद लम्हों की रफाकत में गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में चिराहा बिखर जाएगा। अपनी यादों को समय के बाद बिछड़ने वाले फिर किसे मालूम कौन मिलना चाहेगा। विदाई तकरीब तो एक बहाना है, इस मंत्री को अगर हम एक अदबी मंत्री समझें तो भेजा ना होगा। तो इस मंत्री में दोनों फकरों से जो तमाम हुए हैं, तो इन तमाम के जौक लतीफ़ व अदबी अजमत का एतराफ़ करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज
साक्षात रायचूर के मोहतबर प्रमुख भी हैं। बस में शेर और सुखन के सदर रहे हैं और ऑल इंडिया रेडियो दीपक का वो बेंगलुरु और दूरदर्शन बेंगलुरु से नशर होता है। बहुत मुल्क मोहियती जब दी आंखें खौफ अधूरे में बयान किया है कि डॉक्टर साहब यूं तो तिब के पेशे से वाबस्ता है लेकिन आप अपनी जात को शेर व अदब के जरासीम से महफूज ना रख सके जिसके लिए उर्दू दुनिया आपके एहसान मंद है। सर मुमकिन नहीं कि कारवा मंजिल को पा सके जब तक ना कोई राह पर मोतबर मिले। मुकम्मल किया है जिसका टॉपिक है माइग्रेशन एंड लिवलीहुड। आपकी तालीम आपने एमएससी और बीएससी इन केमिस्ट्री मुकम्मल की है और आप बायोटेक के प्रोफेसर एंड डीन हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंजीनियर कॉलेज रायपुर से वाबस्ता है और आपका मशहूर काम समाज सेवा है। आपकी डॉक्टरेट डिग्री का टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री था जिसको आपने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा से 2013 में हासिल किया जबकि आप साइंस के तालिब इल्म थे। आपने काफ़ी तादाद में हमको नाते शरीफ लिखी है जो काफ़ी दर्ज हासिल कर चुके में पोशीदा है तस्वीरा। आपका पूरा नाम सबीना हैदर है और तालीम लियाकत एमए उर्दू मैसूर यूनिवर्सिटी। आपकी तहरीर अदब की मारूफ रिसालों और अखबारों में शायद हो चुकी है। आपके कई अफसाने पंजाबी और हिंदी जबान में तर्जुमा हो चुके हैं। चंद अफसाने आकाशवाणी रेडियो से भी प्रोफेसर जी एस ब्रादर सर का भी तहदिल से इस्तेमाल करती हूँ। आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार रायचूर यूनिवर्सिटी रायचूर से वाबस्ता है। सर आपका खैर खत्म करती हूँ जलसे में और मैं गुजारिश करती हूँ की बात है सर कि हमारे शोभा में इस तरह के भी मौजूद हैं तो ये देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तादाद से कुछ नहीं है सर जितने हैं बेहतरीन इल्मी हकी और समाजी सरगर्मियों को तहे में तहसील अंदाज में चला रहे हैं। मैं आपकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए आपको अपने ख्याल का इजहार करने की दावत देती हूँ। मैं 2015 में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी अकेडमी काउंसिल मेंबर था। पीजी सेंटर में सिर्फ 7 डिपार्टमेंट के साथ 170 बच्चे थे। मुझे लगा कि इतना बड़ा 250 एकड़ जमीन है 7 डिपार्टमेंट थे 150 उसमें 25-30 बच्चे रहते थे कोई पढ़ने वाला नहीं था। इमीडिएटली मैं गवर्नमेंट से अपील किया कि यहाँ पे ज्यादा डिपार्टमेंट खोला जाए। तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर आरवी देशपांडे साहब थे उसने मुझसे अपील किया लेटर दिया वहाँ से अप्रूव लेकर नए 13 डिपार्टमेंट अप्रूव कराया। हर जगह से अप्रूव करा के 2016 से 6 डिपार्टमेंट स्टार्ट किए
17 में फिर 4 डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, 10 डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, 10 में ये उर्दू भी था 2016 में स्टार्ट हुआ। तो बैनर ऐसा था 2016 में जब नोटिफिकेशन हुआ तो उर्दू को छोड़कर नोटिफिकेशन कर दिए, तो मैं जाकर फिर वही चांसलर से वो कोशिश करके उर्दू को री नोटिफिकेशन कराने का, वो लेकिन एक कंडीशन थी, हमारे वही चांसलर साहब बोले कि मिनिमम 15 बच्चे रहे तो स्टार्ट करेंगे नहीं तो बंद करेंगे। बहुत कोशिश करें, शायद मैडम इसमें बहुत मेहनत करे थे उस वक्त पर कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लाए, लेकिन उस टाइम पे 10 से 11 बच्चों का एडमिशन हुआ था। फिर भी मैं कामयाब हुआ कि वही सांसद को कन्विंस करें 10-11 बच्चों के साथ भी डिपार्टमेंट खोला जाए, क्योंकि मुझे पता था गुंगुलिया में यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट में बच्चे ही नहीं, तो कोशिश करके डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशन लेना और पढ़ना ही जरूरी, उर्दू पढ़ के क्या करना बोलते सोचने वाले भी नहीं। रिसेंटली 2020 में मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल 100 उर्दू टीचर्स पोस्ट को प्लेटफॉर्म कर रहे थे, उसमें सिर्फ 67 एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल थे, पूरे कमाल एलिजिबल उर्दू टीचर्स अवेलेबल नहीं हुए हैं रिक्रूटमेंट के लिए, कामयाबी तो किसी को मिल सकती है क्योंकि रात में चोरी करने वाला भी कामयाब हो सकता है, बेहतरीन इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो पहली बार मैं शुक्रिया बोलूँगा हमारे शाहिन मैडम को कि मुझे बुलाया, और मैं उससे पहले शुक्रगुजार हूँ संगीत को, उन्होंने मुझे जल्दी लेके आए और हमारे हिंदुस्तान में एक है जो देर से आता है वही मेहमान बनता। इतनी फसी उर्दू, इतनी रवा उर्दू, इतनी बलील और गहरी उर्दू, इतनी आम फहम सलीस उर्दू, और मैं समझता हूँ वो खानदानी उर्दू है। और फिर मुझे हैरत इस बात की भी है कि इस रायचूर यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में एक और उर्दू डिपार्टमेंट चलता फिरता उर्दू डिपार्टमेंट मुझे दिखाई दिया कुलकर्णी साहब की शक्ल में। बहुत हैरत अंगेज उन्होंने बातें बताई। रजा उस्ताद की एक अहम बात मैं आपकी नजर कर दूं, उर्दू पढ़ने से क्या फायदा है बहुत सारे लोग कहते हैं, मगर उन्होंने एक निशानदेही की है रजा साहब ने, ये कि उर्दू पढ़ने से इंसान अपना करियर बना सकता है। उर्दू में वो दमखम है, वो कुवत है, वो ताकत है, वो चाशनी है, वो खूबसूरती है कि आदमी रजा साहब के बाद भी बैठा हुआ था। रजा साहब ने भी शायद महसूस किया होगा कि उसी वक्त मैंने एक फिल्म की अदा लिख दिया, उसी वक्त जैसे ही मैंने उसको सुना, उसके नाम का ऐलान सुना, रजा साहब मैं सच कह रहा हूँ यकीन मानिए कि मेरा नाम उसका नाम लेने से पहले ही मैं सुना लेता। हो सकता है इसमें बैठे बैठे मैंने जो विपत्ति लिखा है उसमें कहीं कोई बात वो मेरे सिवा पता नहीं और कोई महसूस कर सकता है। जानकर मुझको हुई बेहद खुशी, जानकर मुझको हुई बेहद खुशी, मिट नहीं सकती मियां उर्दू मेरी, जानकर मुझको हुई बेहद खुशी, मिट नहीं सकती मियां उर्दू मेरी, ये जुबान जिंदा रहेगी हर सदी, ये जुबान जिंदा रहेगी हर सदी, पढ़ रही है आज भी सावित्री। बहुत खूब साहब, क्या बात है, बहुत खूब। इस बच्ची को, इस बच्ची के सारे खानदान को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने हमारे उर्दू की आबादी के लिए मुझसे ज्यादा, बल्कि मुझ जैसे लोगों से ज्यादा
उन्होंने उर्दू को बढ़ावा दिया है और दे रहे हैं, उनकी यकीन अल्लाह ताला उन्हें दराज करें, माला माल करें हमेशा। अब उर्दू की कुछ बातें हमारे कुलकर्णी साहब ने भी सियासत का हवाला देकर की, तो उर्दू का जज्बा हम सब में मौजूद है। तालीम को रोजगार से मत जोड़ना, तालीम हासिल करना से रोजगार हासिल करने के मकसद से नहीं होनी चाहिए। तालीम आपकी तहजीब को संवारती है, आपने तालीम हासिल की, आप आने वाले मुस्तकबिल में आपका एक घर होगा, आपका शौहर, आपके शौहर होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपको उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकती है। वही अलग बात है कि आपने तालीम हासिल की, अच्छी तालीम हासिल की, उस वजह से आपको रोजगार मिलेगा। आप एम ए कर चुकी हैं, एम ए करके आप जा रही हैं यहाँ से, मैं चाहूंगा कि आप एम ए की अपनी डिग्री को मुख्तलिफ दस्तावेज का आप पेशा मुंतखब कर सकती हैं, जो कि दुनिया का सबसे महसिब और सबसे महत्वपूर्ण पेशा है। आप आज के एक्सपेरिमेंट में मुझे मदद किया गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उर्दू एक खूबसूरत भाषा है, इसके लिए मैं एक शेयर पढ़ूंगी बहुत खूबसूरती और जाशन देता है। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं, नाम सारे जानों की धूम हमारी जबान की है। तो ये तो पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी हर मौके पर हर वक्त जो है अच्छा लगता है, और इससे ज़्यादा उर्दू की तारीफ क्या हो सकती है। तो मैं ये बोलेंगे जो तहजीब पर अल्लाह और दिन की एक शनाख्त है, वो बताओ उर्दू के जरिए ही पहचानी और जानी जाती है, और इसी जबान की बहाव तरक्की के लिए जितने भी इनाम लोग अपनी अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं और जारी रखे हुए हैं, कहीं किताब तलबा और कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मुझे जब मुझे बात करने का मौका दिया गया है, बस चंद लोगों में मैं अपने इजहार कर रहा चला पैसा होगी। आज मैं उर्दू डिपार्टमेंट के स्टाफ और स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज यहाँ पर इतनी सारी शख्सियतों को जमा किया गया, एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही वक्त में इतनी सारी शख्सियत जमा हुई है, जिसके लिए उर्दू डिपार्टमेंट के असातिज़ा और तलबा तालिबात को है वो मुबारकबाद कर सकता है। इस शेर के साथ ही मैं बहुत ही अदब और तामीन के साथ इस जलसे के महबूबे सदर जनाब अब्दुल उस्ताद साहब को इल्तिमास करती हूँ, तो अपने सदारत के खुतबे को पेश करें। शायरी और दिल के माहिर डॉक्टर शकील इल्तिमास साहब, अफसाने जहान की मोतबर आवाज मोहतरमा समीरा हैदर साहिबा और बैक वक्त गुलबर्गा यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी की उर्दू की कमान संभालने वाली प्रोफेसर तमाम तलबा और तालिबात और मौजूद हाजरी, मेरे लिए इम्तहान भी है और बड़ी मुश्किल भी कि अदब की खता और शख्सियतें और हमेशा बुलंद रहे, फैज का फैज जारी है, कोई नदी कोई दरिया कोई समंदर हमें अदब से शोरस नहीं, इसीलिए हम किसी की फिराक में नहीं। उर्दू में मीर भी नहीं अमीर तरीन लोग भी हैं, उर्दू पर किसी किस्म का दाग नहीं बल्कि दाग रहेगी भी है। यहाँ लोग रियाज करते करते मोमिन बने, यहाँ लोग रियाज करते करते मोमिन बने, और इनका जौक का ये आलम था कि इनके जौक का आलम ये था कि दहली लखनऊ और दक्कन जैसे बाकायदा दबस्तान उर्दू बने। बाकायदा दबस्तान उर्दू बन गए, बल्कि दबस्तान उर्दू बन के यहाँ एक से एक बनी भी है, और एक से एक जो उर्दू की मोहब्बत में ना सिर्फ सरशार रहते हैं बल्कि इस पर जानिसार भी रहते हैं।